भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, आज से शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन होगा। भोपाल में शिक्षकों की एक बड़ी रैली भी होगी। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल पर जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो संख्या है 75,000, आपको बता दें शुरुआती दो दिनों तक 25,000 इनकी संख्या होगी, लेकिन दो दिन के बाद 75,000 शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। और काफी समय पहले विभाग को इन्होंने अपनी हड़ताल के बारे में जानकारी भी दे दी थी, आवेदन देकर अवगत भी करा दिया था। और शिक्षकों की मांग यही है कि जब तक हमारी जो पुरानी मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, पुरानी पेंशन योजना है, एक बड़ा विषय इसमें यह भी है कि जो अनुकंपा नियुक्ति का मामला अटका हुआ है, सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें जारी की हैं। शर्त यह है कि अनुकंपा नियुक्ति यदि किसी शिक्षक के परिजन को चाहिए तो उसका बीएड या डीएड पास होना अनिवार्य है। ऐसे में शिक्षकों का कहना यह है कि जब पहले शिक्षकों की भर्ती होती थी तब इतनी अनिवार्यता इसकी नहीं थी, लेकिन अब इस वजह से परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही, इसलिए शर्तों को या तो शिथिल किया जाए या इसमें कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता भी खुल जाए। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर भी लगातार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पत्राचार शासन प्रशासन स्तर पर करते रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं शिक्षक। एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा तो दूसरी तरफ शिक्षकों की हड़ताल भी होगी।